दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं रिन्यूड मिनी पीसी के नए प्राइस लिस्ट के बारे में, जो कि जून के अंदर आ रहा है और बहुत ही बेहतरीन प्राइस आया हुआ है। जिन लोगों का बजट कम है वो लोग रिन्यूड मिनी पीसी की तरफ जा सकते हैं। जिनका 10,000, 12,000, 7,000, 8,000 इस बजट के अंदर कोई पीसी चाहिए, इससे ज्यादा का बजट नहीं है, तो उन लोगों के लिए बिल्कुल बेहिचक होकर के रिन्यूड मिनी पीसी बेहतर हो सकता है। क्योंकि जो भी इसका परफॉर्मेंस निकल करके आ रहा है, पिछले 2 साल से लगातार मैं वीडियो बना रहा हूं, लगातार हम लोगों ने इसको बाय भी किया है, इसका कंप्लीट टेस्टिंग कंप्लीट रिव्यू भी चैनल्स पे पड़े हुए हैं, आप चाहें तो जाकर के देख सकते हैं। अपग्रेडेशन से लेकर के अंदर क्या है कैसा है सब कुछ हम लोगों ने इसको ओपन करके दिखाया हुआ है। चाहें तो सभी मॉडल का लगभग हमने कोशिश किया है कि उसको मैं आपको दिखा सकूं, वो चैनल पे पड़ा हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे नए प्राइसेस के बारे में, जो कि जून के अंदर ऑफर किए जा रहे हैं, क्या प्राइस है, हम लोग समझेंगे कौन कौन से मॉडल आज के रेट में बाय करने लायक है, ये ज्यादा जरूरी है। तो वीडियो पूरी जरूर देखें, इस पर हम लोग समझेंगे कि कौन कौन सा मॉडल बाय करने लायक आज के रेट में है। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें। चैनल पर पहली बार आ गए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। आइए दोस्तों समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लेनोवो के बारे में, क्योंकि सबसे नंबर वन लिस्ट में यही रहता है, क्योंकि बहुत ज्यादा बिकता है, इसके अंदर सुविधाएं ज्यादा मिल जाती है आपको कम बजट के अंदर। तो जो ये मॉडल है जिनका बजट बहुत ही कम है, 7,000-7,500 का बजट है, उनके लिए ये मॉडल बहुत अच्छा है। इसके अंदर i3 का 6th generation प्रोसेसर मिल रहा है, 8GB का DDR4 रैम है, 256GB का SSD है, Wi-Fi के साथ में आ रहा है, विंडोज 11 के साथ अपग्रेड है, बिल्कुल भी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, MS Office भी साथ में आएगा। मिला जुला करके ये पीसी नॉर्मल वर्क के लिए, अगर आपका बच्चा ऑनलाइन क्लास कर रहा है उसके लिए भी बेहतर हो सकता है, साथ में ही अगर आप नॉर्मल वर्क करना चाहते हैं, ऑफिशियल MS Office से रिलेटेड आपका काम है, बिल्कुल आराम से काम कर सकते हैं, छोटे मोटे जितने भी सारे काम हैं, सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं, स्टूडेंट हैं, ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं, उन सब काम के लिए ये कैपेबल रहने वाला है। प्राइस की बात करें तो मात्र 7,400 रुपए प्राइस है, जो कि एक बहुत अच्छा प्राइस है, इस बजट में बिल्कुल आप बाय कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट मॉडल की बात करें तो लेनोवो का थिंक सेंटर के अंदर ही i5 6th generation के अंदर ही 8GB DDR4 का रैम है, 512GB SSD है, इस पर कंप्लीट रिव्यू है हमारा, इसको मैंने खरीदा हुआ है, आप चाहें तो जाकर के देख सकते हैं, इसको ओपन करके कंप्लीटली टेस्ट, गेमिंग टेस्ट, वीडियो एडिटिंग टेस्ट, सारी बिल्कुल कंप्लीट इसकी औकात को हम लोगों ने नापा हुआ है, चाहें तो जाकर के देख सकते हैं। ये भी विंडोज 11 के साथ में है, i5 के साथ में है और 8GB रैम, 512GB SSD के साथ में है। जब हमने इसको बाय किया था 12,800 रुपए का बाय किया था, लेकिन आज के रेट में 9,800 रुपए हो रखा है, बहुत ही बेहतरीन प्राइस है, इस बजट में लेकर के आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं। इसको हम लोगों ने नेटवर्क में डाला हुआ है, नेटवर्किंग में यूज करते हैं, बहुत अच्छा काम करता है। बाकी नेक्स्ट मॉडल की बात करें, थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन इधर उधर हो गया है, i5 6th जनरेशन का ही है, इसके अंदर रैम 16GB हो गया है और SSD जो है 256GB का है, और जो पिछला वाला मॉडल था रैम 8GB थी और 512GB SSD था, थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन इधर उधर है, इसीलिए प्राइस सेम है। थोड़ी सी बड़ी फाइल पे जिनको काम करना है उनके लिए ये बेहतर हो सकता है, अन्यथा 8GB भी बहुत है, पिछला वाला मॉडल बाय कर सकते हैं, उसके अंदर स्टोरेज थोड़ा सा बढ़ करके मिल जाएगा। लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं आपको रैम 16GB ही चाहिए, तो आप ये वाला मॉडल बाय कर सकते हैं, इसके अंदर स्टोरेज की थोड़ी सी कमी है, 256GB है, यहां पर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा या फिर जो है आपको एक्सटर्नल SSD या फिर हार्ड ड्राइव लगाना पड़ेगा। इसका भी प्राइस उतना ही है, 9,800 रुपए ही, आप अपने काम के हिसाब से दोनों में ही सिलेक्ट कर सकते हैं, जो आपको सही लगे वो आप बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट मॉडल की बात करें तो लेनोवो थिंक सेंटर के अंदर ही M910Q मॉडल के बारे में, क्योंकि इसके अंदर i5 का 7th generation प्रोसेसर है, ये बहुत ही फेमस प्रोसेसर रहा है, अभी भी लोग इस पर काम करते हैं, मार्केट में देखेंगे पुराने जो लोग भी हैं इस पर भी काम करते हुए लोग मिल जाएंगे। 8GB का रैम है, 256GB SSD इसके अंदर लगी हुई है, विंडोज 10 प्रो के साथ में ये आने वाला है, थोड़ा सा जुगाड़ करेंगे तो विंडोज 11 में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, 6 USB पोर्ट इसके अंदर आपको मिलने वाला है, VGA और HDMI के साथ में ये आने वाला है, इसीलिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है नॉर्मल यूजर्स के लिए। बाकी एक्सटर्नल Wi-Fi का एडाप्टर इसके साथ में आएगा, जो कि सभी के साथ में ऐसा ही आता है। प्राइस की बात करें तो चूंकि 7th generation है तो 10,800 रुपए इसका प्राइस है, 1,000 रुपए बढ़ते हैं तो आपको 7th generation मिल जाता है, ये भी बहुत अच्छी बात है। अगर 1,000 रुपए आपके लिए मायने नहीं रखता है तो आप 7th generation ले सकते हैं, अन्यथा 6th generation भी ले, प्रैक्टिकली में कोई बहुत बड़ा डिफरेंसेस नहीं आएगा, लेकिन हाँ डिफरेंसेस जरूर मिलेगा आपको। बाकी नेक्स्ट की बात करें तो i5 का
8th जनरेशन, ये बहुत ही बेहतरीन पीसी होने वाला है। i5 का 8th जनरेशन लीगली इसके अंदर विंडोज 11 हमेशा आप रीइंस्टॉल कर पाएंगे, क्योंकि विंडोज 11 का रिकमेंडेशन जो है वो 8th जनरेशन ही है। तो ये i5 का 8th जनरेशन है, 16GB रैम है, हैवी फाइल पर भी काम करेंगे, 512GB SSD है, कुछ भी इसके अंदर अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है, विंडोज 11 के साथ में है, एमएस ऑफिस के साथ में है, लेकिन प्राइस इसका हाई है, 17,400 रुपए फिलहाल प्राइस है। अगर ये 15,000 के आसपास में अगर मिलता है तो आपके लिए बहुत बेहतरीन हो सकता है, क्योंकि ये 8th जनरेशन है, ये फ्यूचर प्रूफ आपके लिए रहने वाला है, ओल्ड भले ही है लेकिन फ्यूचर प्रूफ रहने वाला है, बहुत अच्छा पीसी रहने वाला है। अब हम चलते हैं अगले मॉडल पे, तो वो है एचपी के अंदर, एचपी का एलाइट डेस्क 800G2 मॉडल, इसको भी हमने बाय करके कंप्लीटली टेस्ट किया हुआ है, पूरा चेक किया हुआ है, इस पर फुल वीडियो हमने बनाया हुआ है, ओपन करके भी दिखाया हुआ है, चैनल पर है चाहे तो जाकर के देख सकते हैं। i5 6th जनरेशन के साथ में ये आएगा, 8GB का DDR4 रैम लगा हुआ है, 256GB के SSD है, विंडोज 11 में अपग्रेडेड है, वाईफाई के साथ में आने वाला है, एमएस ऑफिस भी साथ में आएगा, सब कुछ बिल्कुल भी लेस है, डीपी पोर्ट के साथ में आता है, अगर HDMI आपको लगाना होगा तो आपको जो है अलग से कन्वर्टर लेना होगा। इस मॉडल में खास बात एक और होती है कि इसके अंदर USB टाइप सी आपको मिल जाता है फ्रंट पे, इसीलिए ये और भी अपग्रेडेड लगता है, टेबल पे रखा हुआ ऐसा लगेगा USB टाइप सी के वजह से, ये बहुत पुराना पीसी आपका नहीं है, ये नया वाला ही वर्जन है, इसीलिए ये ज्यादा बिकता है मार्केट में। प्राइस की बात करें तो 9,300 रुपए के अंदर ये मिल रहा है फिलहाल, जो कि एक बहुत अच्छा प्राइस है, इस बजट में मिल रहा है तो आपको बिल्कुल भी देर करने की जरूरत नहीं, आप इसको बाय कर सकते हैं, क्योंकि जब हमने इसको बाय किया था तो 12,000 से ऊपर का हमने बाय किया था, अभी मात्र 9,298 रुपए दिखा रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा प्राइस है। बाकी नेक्स्ट मॉडल की बात करें तो मॉडल यही है, इसी के अंदर स्पेसिफिकेशन चेंज होता है, i5 6th जनरेशन ही प्रोसेसर है और 8GB DDR4 रैम है, 512GB SSD है, जो पिछला मॉडल आपने देखा वो था 256GB SSD के साथ में, बाकी ये 512GB SSD के साथ में है, और इसका प्राइस जो है 9,900 रुपए है, यानी कि 600 रुपए अगर और आप बढ़ते हैं तो यहां पर आपको SSD बढ़कर के मिल जाती है 512GB SSD, जो कि सबसे बेहतरीन है। तो अगर यहां तक आते हैं तो मैं यही कहूंगा कि आप इस मॉडल को बाय करें, अगर ज्यादा का डिफरेंसेस हो जाए जिस वक्त वीडियो देख रहे हैं तब अलग बात है, लेकिन अभी जो 600 रुपए का जो डिफरेंसेस है वो आपको लगाने से आपको जस्ट डबल आपको स्टोरेज मिल जा रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हम अगले मॉडल की अगर हम बात करें तो आ जाते हैं डेल के अंदर। डेल काफी लोगों का चॉइस रहता है कि हमें डेल ही लेना है, तो डेल का ऑप्टिलेक्स 7040 मॉडल बहुत ही फेमस रहा है, हम लोगों ने भी इसको खरीदा है। i5 6th जनरेशन में 16GB DDR4 रैम है, बड़ी फाइल पे काम कर सकते हैं, 512GB SSD है, आपका स्टोरेज में भी किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं है, विंडोज 11 के साथ में आएगा, वाईफाई, एमएस ऑफिस सब कुछ इंक्लूड रहने वाला है, डीपी पोर्ट के साथ में ये भी आएगा, अगर HDMI चाहिए तो आपको कन्वर्टर लेना होगा। प्राइस की अगर हम बात करें तो डेल जैसा ब्रांड होकर के चूंकि 16GB में है तो 11,900 रुपए का है, जो कि ठीक प्राइस है, क्योंकि पिछले हमेशा ये जो है 14,000 रुपए के आसपास रहा है, तो प्राइस कहीं ना कहीं कम हुआ है, बहुत अच्छा प्राइस है, बिल्कुल भी बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट मॉडल की बात करें तो स्पेसिफिकेशंस चेंज है और ये जो है i3 8th जनरेशन है, सेम एग्जैक्टली यही मॉडल हमने खरीदा हुआ है, गेमिंग टेस्ट लेकर के वीडियो एडिटिंग हर चीज पर जो है कंप्लीट वीडियो हमने बनाया हुआ है, चाहे तो जाकर के देख सकते हैं। विंडोज 11 इसके अंदर लीगली बिल्कुल भी आप जो है इसको अपग्रेड कर सकेंगे और i3 का 8th जनरेशन है प्रोसेसर, 8GB DDR4 रैम लगा हुआ है, 240GB SSD इसके अंदर है, विंडोज 11 में अपग्रेडेड है ऑलरेडी, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और इसके अंदर VGA और DP दोनों ही रहने वाला है, तो पुराना मॉनिटर है तो भी आप इस पे काम चला सकते हैं। USB 3.0 डेल में सभी में मिलेगा, सारे ही मॉडल में USB 3.0 आपको मिल रहा है। प्राइस की बात करें, चूंकि 8th जनरेशन है तो 11,400 रुपए फिलहाल दिखा रहा है, जो कि प्राइस कहीं ना कहीं ठीक है, क्योंकि i3 का 8th जनरेशन है, लेकिन इसको कई बार 10,000 तक भी देखा गया है, तो जिस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं क्या प्राइस है प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हमें भी पता लगे कितना वेरिएशन चलता रहता है। लास्ट मॉडल की अगर हम बात करें तो डेल ऑप्टिलेक्स का 3070 मॉडल है, ये i3 9th जनरेशन है, बहुत ही बेहतरीन है, i3 से ना सोचे, i3 9th जनरेशन है, इसका परफॉर्मेंस बहुत ही जबरदस्त था अपने समय में, अभी भी लोग यूज कर रहे हैं, 8GB का DDR4 रैम लगा हुआ है, 240GB का SSD है, विंडोज 11 प्रो के साथ में ये आने वाला है, बिल्कुल बिजनेस मॉडल है ये, एमएस ऑफिस के साथ में आएगा, वाईफाई, USB 3.0, VGA और DP पोर्ट सब कुछ के साथ में ये आने वाला है, तो अगर यहां तक बजट पहुंचता है आप बिल्कुल इसको बाय कर सकते हैं, 14,899 फिलहाल प्राइस है, 15,000 के अंदर ये आ रहा है, i3 9th जनरेशन, जो कि बहुत अच्छा मिनी पीसी होने वाला है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने देखा आज
जून का महीना चल रहा है, इसमें क्या प्राइसेस रहा, कौन सा मॉडल आप खरीद सकते हैं, क्योंकि अमेजोन पे भरमार लगा हुआ है। सभी का लिंक मैंने दे रखा है, आप वहां से जो आपके बजट में आता है वहां से आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि काफी लोग लिंक से जाते तो हैं लेकिन वहां जाकर के दूसरा मॉडल पसंद कर लेते हैं और फिर बाद में कमेंट करते हैं कि हमने ये वाला मॉडल बाय किया था अब ये सही नहीं चल रहा है। तो चूंकि गलत डिसीजन जो है आपका मिनी पीसी के अंदर आपको गलत प्रोडक्ट खरीदवा सकता है, इसीलिए सही डिसीजन ले, लिंक से बाय करें ताकि सही प्रोडक्ट आपको मिल सके, क्योंकि यहां पर भी बहुत ही ज्यादा धांधली हो रही है। तो दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहे, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। मिलते हैं वीडियो में किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका दिन शुभ हो।